हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की तो हर बार चर्चा हो जाती है, लेकिन जब अमिताभ बच्चन के चर्चे नहीं होते थे, जब एक्टर ने सफलता की वो बेहतरीन सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी, तब उनका साथ दिया था जया बहादुरी ने। अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी और राजनीतिक गलियारों में अपने बयान से खबरों में रहने वाली जया बच्चन ने हर मौके पर महानायक का साथ दिया। जया की वजह से अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी के कई मुश्किल दौर आसानी से गुजारे। बताया जाता है कि बॉलीवुड का अपना महानायक जया बच्चन की वजह से मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती कैरियर में 12 फ्लॉप फिल्में देने के बाद अमिताभ बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे। वे मुंबई से वापस जा रहे थे, लेकिन तब उन्हें फिल्म जंजीर में साइन किया गया और उनके अपोजिट जया बच्चन को लिया गया। ये वो समय था जब अमिताभ के पास कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। वजह सिंपल थी, एक्टर कुछ खास फिल्में नहीं कर रहे थे। लेकिन तब जया बच्चन ने अमिताभ के साथ फिल्म की और दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अमिताभ और जया की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है। उनकी लव स्टोरी में एक तरफा प्यार का जुनून भी है और एक दूसरे को कभी अकेले न छोड़ने वाला जज्बा भी। जया बच्चन बताती है कि उनकी अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात कई साल पहले पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में हुई थी। अब जया तो वहां पर पढ़ने गई थी, लेकिन तब तक अमिताभ धक्के ही खा रहे थे। लेकिन क्योंकि जोड़ी खास थी, इसलिए इनका मजबूत कनेक्शन भी हमेशा देखने को मिला। जया को पहली नजर में अमिताभ से प्यार हो गया था। जया बताती है कि अमिताभ बच्चन को उनके पतले होने की वजह से कई तरह के ताने सुनने पड़ते थे। पुणे के इंस्टीट्यूट में तो लोग उन्हें छड़ी कहकर बुलाते थे। इस बात से जया काफी नाराज हो जाया करती थी। आलम यह होता था कि वो अमिताभ के लिए अपनी सहेलियों से भी लड़ जाती थी। अमिताभ बच्चन ने भी दिलचस्प बात बताई कि उनकी माने तो उन्होंने जया बच्चन को पहली बार एक मैगजीन कवर पर देखा था। उन्हें भी पहली नजर में अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई थी। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार था, पसंद भी करने लगे थे। ऐसे में मुलाकात के सिलसिले शुरू हुए। पहले एक, फिर दो, फिर लगातार वे मिलते रहे। इन मुलाकातों ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया और उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद जंजीर फिल्म भी इतनी सफल हो गई कि अमिताभ और जया लंदन में इसका जश्न मनाना चाहते थे। खूब तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता ने तब साफ कर दिया कि विदेश जाना है तो पहले शादी करो और फिर चले जाना। बस पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अमिताभ बच्चन ने जया से 1973 में शादी की और इसके बाद से दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। उनका यह मजबूत रिश्ता जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, मिली, शोले और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में और निखर कर सामने आया और उनकी जोड़ी को ऑल टाइम फेवरेट बता दिया गया।